प्रयागराज में जुलूस निकाल रहे सपाइयों को रोकने पर बवाल। पुलिस और आरएएफ ने सपाइयों को रोकने के लिए लाठियां चलाई, लेकिन इस दौरान काफी बवाल देखने को मिला। आरएएफ और पुलिस ने सपाइयों को रोकने की कोशिश की, लाठियां चलाई गई। आरएएफ और पीएससी से सपाइयों की हुई तीखी झड़प। बता दें कि धारा 144 लागू, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी लगातार कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब सपाइयों को रोकने के लिए लाठी चार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। इस दौरान सपाइयों और पीएसी के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली है। जॉर्ज टाउन में बैरियर पर रोकने पर पुलिस से ये सपाई बैरियर के पास घुड़े, सड़क पर बैठे सपा कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो सीएए के विरोध में आज सपा देश प्रदेश व्यापी प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रही है। तो प्रयागराज में किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। आरएएफ और पीएसी से सिपाहियों की जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तीखी झड़प यहाँ पर देखने को मिली। इस दौरान काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। पुलिस और आरएएफ ने सपाइयों को रोकने के लिए किस तरह से लाठियां चलाई, आपको बता दें कि धारा 144 लागू की गई है। किसी भी लगातार यूपी के डीजीपी ओपी सिंह भी यही अपील कर रहे हैं कि प्रदेश के माहौल को बनाए रखें, शांति सौहार्द बना रहे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए कानून का पालन किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो बेहद ही हिंसक मोड में वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी को काबू करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान आरएएफ और पीएससी के साथ सपा कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक झड़प भी देखने को मिली। तो सफाइयों को रोकने पर यह बवाल हुआ है। प्रयागराज की तस्वीरें, तो यूपी के कई हिस्सों में यही तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लखनऊ विधानसभा में की सीढ़ियों पर बैठकर ये देखिए कि किस तरह से इनको काबू किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, लात घूंसे बरसाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर, जिन्हें जिम्मा सौंपा गया है स्थिति को मेंटेन करने का, सामान्य बनाए रखने का, उन पर किस तरह से हावी होते हुए दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। हालांकि लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात रखने की, लेकिन इस तरह से माहौल खराब करना कहीं ना कहीं ये शोर इशारा करता है कि विरोध की आड़ में माहौल खराब करने की साजिश हो रही है, क्योंकि तमाम कदम यहाँ पर उठाए गए और उसके बावजूद भी इस तरह से प्रदर्शन, ये देखिए कैसे बढ़ते हुए ये सपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो बताया जा रहा है कि प्रयागराज में जुलूस निकाल रहे इन सपाइयों को रोकने की जब कोशिश प्रशासन ने की, तो आप देख सकते हैं स्थिति बेहद गंभीर हुई, झड़प हुई। और इस दौरान भिड़ते हुए जो है ये प्रदर्शनकारी नजर आए, तो जॉर्ज टाउन में बैरियर कर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान किस तरह से सपा कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से बवाल मचाया गया, क्योंकि किसी भी जुलूस किसी भी प्रदर्शन सम्मेलन की कोई इजाजत नहीं, लेकिन उस तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, कानून को हाथ में लेते हुए इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही थी, रोकने की कोशिश हुई, तो काफी झड़प यहाँ पर देखने को मिली।